आंद्रे अंदर गेंद बाहर, फिर आंद्रे अंदर बल्लेबाज बाहर। आई मीन ये आंद्रे रसल वर्सेस हैदराबाद का जो मैच था उसमें रसल को मिली जीत और पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया है। 54 रन की जीत का अर्थ यह है कि कोलकाता अभी तो है तैयार, 14 अंकों तक पहुंच सकते हैं। आखिरी मुकाबला LSG के साथ है, पर पॉजिटिव नेट रन रेट के साथ वो 14 अंकों तक पहुंचेंगे। अगर अगला मुकाबला जीतते हैं तो एटलीस्ट कैंपेन तो जीवित है। कहां जाएंगे वी डोंट नो, पर हैदराबाद की कहानी यह है कि they say winning is a habit but losing is too, and that's what is happening. 5 लगातार जीते थे, उसके बाद एक मैच नहीं जीत पा रहे हैं और बिल्कुल हालात तो एकदम पस्त नजर आ रहे हैं कि ये भी 14 तक पहुंच सकते हैं पर अब नेगेटिव नेट रन रेट में है। तो NRR जो है तंग करने वाली है केन विलियमसन की टीम को। ये केन प्रकारेण कुछ तो करो केन, पर नोटवर्दी क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए है। दिस इज युजवेंद्र चहल ऑन सॉन्ग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन एन ODI. What are his best ODI figures against Australia? अभी ये बताइए, इसका सवाल का जवाब दीजिए। फोन चाहिए तो क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंस आकाशवाणी। कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंस # आकाशवाणी पावर्ड बाय रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G में आप सभी का स्वागत है। मुकाबला एक कड़ा था, लेकिन एक बार तालियों के साथ स्वागत कर लो प्लीज प्लीज प्लीज। क्यों? क्योंकि अल्ट्रा क्लीन स्वीप क्या कहते हैं फैंटेसी में, कल अपुन ने देखा है ऐसे वाला। क्योंकि आई मीन फर्स्ट इनिंग्स, सेकेंड इनिंग्स, प्लेटफॉर्म्स, कुछ भी, मल्टीबैगर कुछ भी देख लीजिए। आंद्रे रसल कप्तान, वो तो सबके थे, लेकिन टीम अपनी कमाल की थी। और अगर आपने भी वो सुना होगा, वीडियो अच्छे से देखा होगा, तो उसमें आपने उमरान मलिक को बनाया होगा कुछ ना कुछ वाइस कप्तान कप्तान, और अगर वो रहा होगा आपका वाइस कप्तान तो फिर आपकी भी क्लीन स्वीप रही होगी। प्लीज शेयर कीजिएगा अपने जो आपकी विनिंग्स हैं, जो आपने अच्छा किया है, तो प्लीज डू शेयर। और टेलीग्राम पे आ जाइए, फॉलो कीजिए, वहां पर रोज आई एम शेयरिंग माई टीम आफ्टर टॉस। कितनी भी मेहनत मशक्कत करनी पड़े आपके लिए करेगा अपुन। और शाम के मुकाबले में क्या होना है, दिन के मुकाबले में क्या होना है, वो तो बाद में वीडियो आएगा, पर अभी जरा इसकी बात कर रहे हैं। कोलकाता पैट कमिंस नहीं है तो बदलाव तो करना पड़ेगा, तो करा एक नहीं दो दो बदलाव किए। दैट्स द स्टोरी ऑफ कोलकाता कि एक अगर ओवरसीज जाता है तो अमूमन 2 बदलाव हो जाते हैं। सैम बिलिंग्स आते हैं और सैम बिलिंग्स आते हैं, गुड मूव। और उमेश यादव उपलब्ध जैसे होंगे, उन्होंने तो खेलना ही है तो वो भी खेले। और गेंदबाजी में सिर्फ 5 गेंदबाजों से खेल रहे हैं, पर आंद्रे रसल वो गेंदबाज का काम भी करते हैं, बैटर का काम भी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। इज बीन अ फिनोमिनल प्लेयर। और हैदराबाद बदलाव उन्होंने भी किए, एक दो नहीं तीन तीन किए। मार्को यानसन आ गए, यानी कि फारूकी बाहर हो गए। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर उपलब्ध थे, तो इसका मतलब सुचित के लिए भी जगह नहीं बनी है। कार्तिक त्यागी के लिए भी जगह नहीं थी, वहां पर भी बदलाव किया। मैं तो मतलब बदलाव इतने करते हैं, भूल ही जाता आदमी कि कितने बदलाव करते जा रहे हो यार। तो बदलाव यहां पे भी थे भाई, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर आ गए थे भाई, वॉशिंगटन सुंदर आ गए, टी नटराजन की वापसी हो गई भाई सब। हैदराबाद ने भी इतने बदलाव किए कि ना सोचना पड़ता है कौन पिछला मैच खेला था नहीं खेला था। पर सबसे पहले कैश लैक्टिव 3x मैच प्रोटेक्ट, इट हैज टू बी विदाउट डाउट आंद्रे रसल। आंद्रे ने कमाल किया भाई साहब। और केन को हम वैसे यहाँ पे एक थोड़ी केन की बात कर लेते हैं, इतनी तारीफ करते हैं बतौर कप्तान की, कप्तान बहुत बढ़िया है, बहुत स्ट्रेटेजिस्ट है और ये बड़ा अच्छे प्रैक्टिकली गेम को समझते हैं, पर 2 बार लगातार इसी टीम के सामने फॉपाज है। ये फॉपा जो होता है ना, मतलब वो मिस्टेक नहीं होती है, फॉपा होता है, जिसमें आखिरी ओवर आप एक बार जगदीश सुचित से कराते हैं और दूसरी बार आप वॉशिंगटन सुंदर से कराते हैं और दोनों बार आपके सामने आंद्रे रसल होते हैं। आई मीन किसी भी समय आप करवा सकते हैं, उस स्पिनर को ओवर निकलवा सकते हैं, पर आप नहीं निकलवा पाते हैं। वाई आई मे आस्क एंड दैट्स बीन द स्टोरी। कई बार क्या होता है कि बतौर कप्तान या बतौर बल्लेबाज आप रन नहीं बना रहे तो आपकी इंस्टिंक्ट्स जो है वो कमजोर हो जाती है। हमने मयंक के साथ ही बात की थी, मयंक वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इवन व्हेन ही इज नॉट स्कोरिंग रन। खुद बल्लेबाजी में नीचे भी आए हैं, ना तो केन नीचे आ रहे हैं, केन ओपन भी करते हैं, और गेंदबाजी में बदलाव नहीं समझ में आ रहा है कि वाई वॉशिंगटन सुंदर विल बॉल द लास्ट ओवर। पिछले मैच में भी उन्होंने 49 रन बनाए थे, दैट्स आंद्रे रसल, यहां पर भी 49 रन बनाए, आखिरी उन्होंने वहां पर शायद 2 छक्के मार दिए या 3 छक्के मारे, लंबे लंबे छक्के, 177 पे पहुंच गई टीम आंद्रे रसल की वजह से। उसके बाद आंद्रे रसल गेंदबाजी करने आते हैं, पहले गेंद को आउट करते हैं, उसके बाद 2 और विकेट चटकाते हैं, पूरी तरह से धड़ाम कर देते हैं भैया सामने वाली टीम को। कैस्ट्रॉल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर हैज टू बी आंद्रे रसल। 17 विकेट हो चुकी है इनकी, 300 से ऊपर रन हो चुके हैं, ये काम ये 4 बार कर चुके हैं, इनसे ज्यादा किसी ने भी नहीं किया ये काम की 300 रन एंड 10 विकेट से ज्यादा इन अ सीजन। दिस इज हिज 4th टाइम, वेल डन आंद्रे रसल। कैस्ट्रॉल एक्टिव इंजन ऑयल जैसे आपके इंजन को प्रोटेक्ट करता है, देता 3x प्रोटेक्शन, सिमिलरली 3x प्रोटेक्शन ये भी देते हैं भाई साहब, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, फिनिशर का रोल, आई मीन ही इज सिंपली फिनोमिनल। आंद्रे रसल प्लेयर। अब जरा शुरुआत की बात कर लेते हैं, और शुरुआत सच बात यह है कि
कुछ भी आप बोलते रहिए, केकेआर की बैटिंग की समस्याएं तो हैं और एक दो नहीं काफी हैं, क्योंकि आउट हो जाते हैं वेंकटेश अय्यर शुरुआत में, उसके बाद अजिंक्य रहाणे भी थोड़ी देर के बाद आउट हो जाते हैं, नितीश राणा बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे होते, छक्के छक्के छक्के, फिर वो भी आउट हो जाते हैं, श्रेयस अय्यर भी आउट हो जाते हैं, और किस पे आउट होते हैं सारे बल्लेबाज, ये उमरान मलिक जो है ये आते हैं और विकेट पे विकेट चटकाते हैं, थोड़ा सा डराते हैं, थोड़ा सा धमकाते हैं, थोड़ी सी बाउंसर लगाते हैं, ही इज बैक टू विनिंग वेज, विकेट वेज, और तीन विकेट इनके खाते में गए, और नितीश राणा श्रेयस अय्यर नहीं, दिमाग में बाउंसर चल रही है ऐसा प्रतीत होता है। उसके बाद फिर रिंकू सिंह जब आउट हुए, दैट वाज एक्चुअली अ गेम चेंजिंग मोमेंट, जब रिंकू आउट होते हैं तो टीम के हालात हैं, देवर 83 for 4, 94 for 5 अगर आप हैं तो 177 तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नजर आता है, पर सैम बिलिंग्स, सैम ने बहुत बढ़िया बैटिंग की, बहुत बढ़िया बैटिंग की, उन्होंने बनाया कुल मिला के 34 रन 29 गेंदों में, जिसमें एक सामने की तरफ छक्का भी था, उमरान के खिलाफ अच्छे शॉट्स भी थे, इनको पेस से फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा जो खिलाड़ी था वो जो दूसरा खिलाड़ी था ऑफकोर्स दैट्स आंद्रे रसल, आंद्रे रसल की हम बात पहले कर चुके हैं, 177 आई थॉट वाज अ ह्यूज टोटल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, क्योंकि टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला हमने कहा था, शो पे भी कहा था, बायजूस क्रिकेट लाइव पे भी कहा था कि सही फैसला भैया यही करना चाहिए, वही किया, और हैदराबाद नहीं नहीं नहीं, इनके हालात तो बहुत ही खराब है बाबा। अब जब आती है जी बैटिंग की बारी, तो केन से आप उम्मीद करते हैं कि रन बनाएंगे, केन ने 2020 में 28% डॉट गेंदे थी, 2021 में 38%, 2022 में 48% हो चुकी हैं डॉट गेंदे, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 17 गेंदों में 9 रन बनाया जिसमें से एक चौका है, इसका मतलब यहाँ पर भी 13-14 बॉलें जो थी वो डॉट गेंदे थी, ये रन नहीं बना पा रहे हैं, या कहें वो बल्ला नहीं चल रहा है, और आप लगातार ओपन करने आते हैं, बड़ी धीमी सी शुरुआत देते हैं, उससे काम हो नहीं पाता है, आंद्रे रसल उनको विकेट उनका विकेट चटका देते हैं, और अगर आपने देख रहे हो टेलीग्राम में डाला भी था कि आंद्रे रसल इनको बहुत तंग करते हैं, अभिषेक शर्मा अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, पर राहुल त्रिपाठी कॉटन बॉल जब आउट होते हैं वो कैच अच्छा था एक्चुअली सऊदी का, तो फिर समझ में आ जाता है कि अब ये टीम फंस गई है, 177 जो है वो दिल्ली बहुत दूरस्थ होने वाली है। अभिषेक शर्मा वाज द पिक ऑफ द बैटर्स, बड़ी अच्छी बैटिंग की इन्होंने, एक्चुअली इन्होंने भी अपना निवेश दिखाया, पहले साल दूसरे साल पिछले अगर 2 साल देखे तो 100 से कम रन से पूरे सीजन में, इस सीजन ही इज बीन द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर द हैदराबाद फ्रेंचाइज, अच्छा खेले हैं, साथ में मार्करम जब तक थे तब तक मुकाबले में बिल्कुल जान बची हुई थी, था लगा कि शायद अब यहां से आप मैच जीत सकते हैं, मैच को और कंपेटिटिव बना सकते हैं, पर मार्करम आउट हो जाते हैं, उमेश का शिकार बन जाते हैं, इनसाइड एज जाके लगता है, जब अभिषेक शर्मा आउट होते हैं तो फिर वो जो वरुण चक्रवर्ती का ऐसे करके बिलिंग ने अच्छा कैच पकड़ा, उसके बाद लगा गए निकोलस पूरन, कॉटन बॉल, सुनील नारायण, इसके बाद क्या बचा है इस टीम के अंदर, वो छठे सातवें नंबर पे ऐसे होता है 5 आउट होते लगता है बैटिंग खत्म हो गई है, तो बैटिंग में गहराई नहीं है उतनी, बॉलिंग के अंदर वो बात है नहीं जितनी बात दिखाई दी गई थी, वो 5 मैच लगातार जीते थे, उतनी बात अब नजर नहीं आ रही है, आप कहां खड़ी है हैदराबाद, 52 रन से हार मिली है भाई साहब, 54 रन की हार है, जिसके अंदर 3 विकेट चटकाए रसल ने, 1 चक्रवर्ती, 1 नारायण, 2 सऊदी, 1 उमेश, 5 ही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, और रसल ये आपको अलाउ कर रहे हैं कि भाई आप सिर्फ 5 गेंदबाजों से काम चला लें, वरना 5 गेंदबाज से काम होता नहीं है, मुश्किल होता है 5 गेंदबाजों से, पर वो काम ये ठीक कर जा रहे हैं, एक टाइम पे 93 for 5 होते हैं, वो 177 तक पहुंचा देते हैं और फिर 3 विकेट भी चटका देते हैं, आंद्रे इज एब्सोल्युटली गोल्ड डस्ट। पर हैदराबाद यहां से कहां जाएगी, 2 मुकाबले हैं तो सही, पर 14 अंक, नेगेटिव रन रेट, दोनों जीतोगे तो 14 पे पहुंचोगे, और नेगेटिव रन रेट कितना पॉजिटिव हो जाएगा इस टीम के साथ थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है, आई थिंक हालात थोड़े से पतले हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोलकाता के बहुत अच्छे हैं कि कोलकाता क्वालिफाई कर जाएगी, पर 54 रन की जीत के साथ अब पॉजिटिव नेट रन रेट में इस समय 6 नंबर पे हैं, पर अभी तो खेल में बहुत रोमांच आएगा, क्यों, क्योंकि मंडे को एक मैच है डीसी वर्सेस पीबीकेएस, उस वाले मैच में बड़ा इंटरेस्टिंग एक रोमांच बनने वाला है, क्योंकि एक टीम फिर वहां पे भी जो जीतेगी वो 16 तक पहुंच सकती है, जो हारेगी वो 14 पे अटक जाएगी, और कोलकाता 14 से आगे जा ही नहीं सकती है। सो वी शैल टॉक अबाउट दैट लेटर, आप देख रहे थे कैस्ट्रोल एक्टिव प्रेजेंस हैशटैग आकाशवाणी। अब जो मैंने नोटवर्दी क्वेश्चन आपसे पूछा उसका मैं आपको जवाब दे देता हूं भैया, नहीं इस वाले का नहीं, कल का जो पूछा था वो दूंगा, दिस इज श्रेयस अय्यर टेकिंग ऑन जेसन होल्डर इन एन ओडीआई गेम अगेंस्ट व्हिच टीम हैज अय्यर स्कोर्ड द मोस्ट ओडीआई रन्स, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 346 रन बनाया है भाई साहब श्रेयस अय्यर, तो अगर आपको ये फोन चाहिए 108 मेगापिक्सल कैमरा, एमोलेड डिस्प्ले, कमाल का प्रोसेसर, सब कुछ है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप फॉलो कीजिए और ये फोन जीतने के आप लायक बन सकते हैं, हकदार बन सकते हैं, और टेलीग्राम पे आ जाइएगा, वहां पर अपन लोग बात करें फैंटेसी क्रिकेट के बारे में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी अभी के अभी बजा दो मेरे यार।